सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कट सकता है महेश शर्मा का टिकट, राजनाथ सिंह हो सकते हैं गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार। नई दिल्ली नोएडा। गौतम बुद्ध नगर की सीट पर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बैठक को रणनीति बनाना और विपक्षी पार्टियों के सारे दाव को धराशायी करने के लिए खेल खेलने का काम शुरू हो गया। खबर है कि बीजेपी हाथ से महेश शर्मा का टिकट काट कर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट दे सकती है। इसी कड़ी में नोएडा के सेक्टर 27 में कैलाश अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों ने बैठक की। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी अमित अग्रवाल और नोएडा विधानसभा प्रभारी प्रशांत वशिष्ठ समेत बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मौजूद लोकसभा प्रभारी से केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को काले झंडे दिखाने के बारे में कहा गया, तो वही उन्होंने इसे प्रायोजित बताया। सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई साथ साथ है और ये एक सूची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। विकास का काम चलता रहेगा। साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों के बारे में बताते हुए कहा, सेक्टर 122 में 99 मकान दिए गए, इससे ज्यादा विकास और क्या होगा। लोगों की आशंका कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन अगर आगे भी सरकार बनी तो विकास का काम तेजी से चलता रहेगा। कैंडिडेट पार्टी का सिपाही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये निर्णय संसदीय बोर्ड बैठक लेगी कि यहाँ से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा। फिलहाल डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से प्रत्याशी है, बाकी जो पार्टी का आदेश होगा उसे सब मानेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कैंडिडेट सिपाही है और पार्टी जहाँ से आदेश देगी वहाँ से सिपाही पूरी जोर शोर के साथ उतरेगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।